अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ हाउ टू मेक मनी फ्राम JVZoo एफिलिएट मार्केटिंग। JVZoo एक मार्केट प्लेस है जिसमें आप डिफरेंट एफिलिएट प्रोडक्ट्स फ्री में आप उनको प्रमोट करके एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ स्टेप्स या जो चीज़ें शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन, वो इन चीज़ों पर रिवॉल्व करती है। द होल कंसेप्ट ऑफ दिस मेथड, हाउ टू क्रिएट अकाउंट विद JVZoo, how to find the products to promote, how to contact owners, methods to promote JVZoo products, how to scale your business. तो सबसे पहले चलते हैं कि इस business का whole concept क्या है। ये एक diagram मैंने बनाई है जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि money is in the list, कि जो जो बड़े digital marketers हैं, जो जो बड़े marketers हैं और उनके पास डेफिनेटली ईमेल लिस्ट है। ईमेल लिस्ट एक ऐसा एसेट है जिसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो जितने भी बड़े मार्केटर्स हैं उनके पास लाखों की तादाद में, लाखों नंबर्स की तादाद में ईमेल लिस्ट है। तो वो क्या करते हैं, वो रूटीन में अपने ईमेल लिस्ट को वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ वो उनको प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट्स वो JVZoo से लेते हैं, दीगर प्लेटफॉर्म से लेते हैं। तो होता क्या है, जब ये मार्केटर्स अपने ईमेल को, अपने ईमेल लिस्ट को ईमेल सेंड करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो लेट्स सपोज अगर वो कोई एक प्रोडक्ट है JVZoo की, तो वो ईमेल लिस्ट वाले उनमें से 5 से 10% पीपल जो परचेज करने वाले हैं वो तो डायरेक्टली उनके लिंक से वहीं बाय कर लेंगे। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए वो गूगल पे मूव करेंगे, यूट्यूब पे मूव करेंगे और वो उस प्रोडक्ट को फर्दर रिसर्च करेंगे। वो गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके उस प्रोडक्ट का रिव्यू लिखेंगे। उसके बाद जो जो पेजेस टॉप पे आएंगे वेबसाइट्स या जो वीडियोज़ यूट्यूब पर टॉप की आएंगी उनको देखेंगे। अगर वो उनसे इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए वो लेंगे और अगर उन्होंने प्रोडक्ट परचेज करनी हुई तो वो उन्हीं के ज़रिए फिर अपनी प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। तो ये सिंपल मेथड है। अब यहाँ हम लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, तो जो लोग गूगल या यूट्यूब पर उन प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं हम उनके लिए एक रिव्यू वीडियो या अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, या हम जो एक अपनी वेबसाइट बना के इन प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म इस मेथड में यूज़ होता है उसको कहते हैं munchai.com। munchai एक लॉन्चेस की आपको एक कैलेंडर है जिसमें आपको बताता है ये साइट के कौन सी प्रोडक्ट किस डेट को लॉन्च हो रही है और उसका प्लेटफॉर्म क्या है। जनरली 3 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, वॉरियर प्लस, JVZoo और क्लिक बैंक। आज की वीडियो क्योंकि JVZoo से रिलेटेड है तो उसमें आपको मैं JVZoo का ही गाइड करूँगा। जैसे आप इस साइट पर हैं आप देख रहे हैं बिग लॉन्चेज है, ऑल लॉन्चेज है। तो ये जितनी भी प्रोडक्ट जिस इस डेट को लॉन्च हो रही है और कौन से प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही है ये प्रोडक्ट आपके सामने है। और इसमें जो ये ब्लू साइन वाले निशान है इसमें ये आपको बताता है कि ये बड़े मार्केटर्स की है। तो हमने श्योरली इन बड़ी प्रोडक्ट्स को तो प्रमोट करना ही करना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपने एट लीस्ट 10 डेज आपकी जो प्रोडक्ट लॉन्च की डेट है उससे पहले आपने वीडियो या अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है। वो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपने क्या कौन सा मेथड यूज़ करना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आज 26 जुलाई है तो आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है वो 10 डेज के बाद की ही लॉन्च हो रही हो, ताकि इसी बीच के पीरियड में आपने अपना अप्रूवल लेना है वेंडर से, या आपने अपनी वीडियो क्रिएट करनी है या आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो इस पीरियड में, और आपको ये भी मालूम है कि YouTube या ब्लॉग आपको रैंक होते होते टाइम लगेगा, इसलिए एटलीस्ट 10 डेज का बीच में गैप होना लाजमी है। लेट्स सपोज 26 जुलाई है तो आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो मतलब 5 अगस्त के बाद की हो, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो कि अगर 5 अगस्त को वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो आपकी वीडियो जो आपने 26 जुलाई को बनाई होगी वो इस डेट तक आप एक तो कम्प्लीट कर सकें और वो वीडियो भी रैंक होके आपकी फर्स्ट पोजिशन पर आ सके। तो ये बेसिक कंसेप्ट तो उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। अब आए अपने सेकंड स्टेप की तरफ, हाउ टू क्रिएट अकाउंट विद JVZoo। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप JVZoo.com पे हैं, ये आप देख रहे हैं फ्री साइन अप, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये आपसे 3-4 इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह का पता करेगी। एक कन्फर्मेशन मेल आपकी ईमेल पे सेंड की जाएगी, उसको आपने कंफर्म करना है। आपसे साथ ही ये पेमेंट प्रोसेसर का पूछेगा कि आपने किस चीज़ में पेमेंट लेनी है, पेपाल है, पाइनियर है और दीगर पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, उसमें से जो भी आपको मेथड आप जिससे ले सकते हैं आपने वो मेथड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपका ये साइनअप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
अगला स्टेप है हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट्स टू प्रमोट। तो JVZoo खुद भी मार्केट प्लेस है, लेकिन जो हमारा मेथड है वो मंच आई से रिलेटेड है। तो आपको पहले मैंने मंच आई के इंट्रोडक्शन दे दिया, यहाँ से आपने जस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। एटलीस्ट आपका 10 डेज का गैप होना चाहिए, ज़्यादा भी हो तब भी अच्छा है, 12-14-15 डेज, लेकिन एटलीस्ट 10 दिन का तो लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ से आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज अगर मैं एक वीडियो यहाँ ओपन करता हूँ, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं सोशल वीडियो पैक ओपन करता हूँ। ये मंच आई का सेकंड पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से फर्दर इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, वेंडर कौन है, प्रोडक्ट कौन है, कमीशन, जेवी पेज और दीगर, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसमें जो जेवी पेज है, जॉइंट वेंचर पेज, यहाँ पेज पे जाके आप इस प्रोडक्ट की फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपने इसका एफिलिएट लिंक कहाँ से लेना है, प्रोडक्ट लॉन्च कब हो रही है, कितना आपको बोनसेस ये बंदा दे रहा है, और आप उससे वेंडर से कॉन्टेक्ट किस तरह कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं ग्रैब योर JVZoo एफिलिएट लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको JVZoo के प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा, क्योंकि JVZoo पर लॉन्च हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ आपने लॉगिन पे क्लिक करना है अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, उसके बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये देख लें आपके पास ये पेज आ जाएगा रिक्वेस्ट परमिशन, यहाँ आपने वेंडर से एक्चुअली परमिशन लेनी है जो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, तभी आपको एफिलिएट लिंक मिलेगा जिसको आप प्रमोट करके आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ जस्ट आपने बताना है कि आपका इंट्रोडक्शन, आप किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, अगर आपकी एक वेबसाइट या यूट्यूब चैनल डिवेल्प है यहाँ आप उसको बता सकते हैं, और आई एम नॉट ए रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट एफिलिएट अप्रूवल। स्टार्ट में हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट बहुत सारे वेंडर्स रिजेक्ट भी कर देंगे, ये वेंडर रिजेक्ट करता है आप इस तरह की नेक्स्ट ले लें। इस तरीके से स्टार्ट में आपको जो है 60-70% रिजेक्शन फेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका डेवलप होगा, आपकी प्रोफाइल JVZoo पर डेवलप होगी, आपका एक्सपीरियंस ग्रो करेगा, चैनल डेवलप होगा, वेबसाइट डेवलप करेगी, तो फिर आप जो है ईजिली अपनी अप्रूव करा सकते हैं रिक्वेस्ट को। दूसरा ये कि अक्सर आप JVZoo JV पेजेस पे आएंगे तो यहाँ आपको अक्सर वेंडर्स का पर्सनल कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, फेसबुक पेज या स्काइप इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है, तो उनके ज़रिए भी आप वेंडर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप उसे बता सकते हैं ये आपने उसको रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो काइंडली उसको अप्रूव कर दें। तो वो ज़्यादा चांस ये है कि अगर आप उसको पर्सनली अप्रोच करेंगे तो वो आपकी अप्रूव कर देगा, और उसके भी जहन में होगा कि आप स्पैमर नहीं है या स्कैमर नहीं है तो वो आपको जल्दी अप्रूव कर देगा। दूसरा ये कि ये तो आपको मैंने बड़ी लॉन्चेस का बताया जो ब्लू आ रहे हैं, इसके अलावा जो बाकी लॉन्चेस हैं इनको भी आप वन बाई वन जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अमूमन वो वेंडर्स भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं या सेकंड टाइम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसी आपने जो है प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना जिसका वेंडर बहुत ज़्यादा नाउन ना हो, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप एक एफर्ट डालते हैं ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जिसका वेंडर अननाउन है, तो बड़े मार्केटर्स जनरली उनके प्रोडक्ट को अपनी ईमेल लिस्ट को प्रमोट नहीं करते, तो डेफिनेटली वो अगर ईमेल नहीं करेंगे अपने ईमेल लिस्ट को तो वो ईमेल लिस्ट भी फिर यूट्यूब पे या गूगल पे वो प्रोडक्ट को सर्च नहीं करेगी, तो सर्च नहीं करेगी तो डेफिनेटली आपकी वीडियो या आपकी ब्लॉग पे कोई विजिटर्स भी नहीं आएंगे, विजिटर्स नहीं आएंगे तो आप पैसा भी नहीं कमा सकते। वो उसका तरीका ये है कि आप जैसे ये पेज ओपन करेंगे, यहाँ ये वेंडर है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेंडर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी कि इस वेंडर ने ऑलरेडी कितनी प्रोडक्ट लॉन्चेस की हुई हैं, ये देखें सारी इसकी हिस्ट्री आ रही है कि इस वेंडर ने अच्छी खासी लॉन्चेस की हुई हैं, ये सारी इसकी डिटेल आ रही है, तो आप इस वेंडर की प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में हाउ टू कॉन्टेक्ट ऑनर्स, ऑनर्स का मैंने आपको बता दिया कि आप उसको पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, JVZoo के अंदर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज अगर उसने दिया हुआ है, ईमेल का दिया हुआ है तो आप उसको अप्रूवल ले सकते हैं। स्टेप 5 में ये मेथड्स टू प्रमोट JVZoo प्रोडक्ट्स। अब सबसे अहम मेथड ये है, स्टेप ये है कि लोग अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि इसको प्रमोट किस तरह कर सकते हैं, तो प्रमोशन के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 मेथड्स बहुत पॉपुलर हैं, एक या तो medium.com है, medium.com एक web 2.0 फ्री वेबसाइट है, आप वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करके आप अपने रिव्यू लिख सकते हैं वेबसाइट का, जो भी आप प्रोडक्ट अप्रूवल लिए आप उस पर रिव्यू लिख सकते हैं। मीडियम की क्योंकि ऑलरेडी एक अथॉरिटी साइट है जिसकी 90+ अथॉरिटी है, तो आप अगर उस पर एक रिव्यू लिखते हैं तो क्योंकि उसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा चांस है कि वो गूगल पे बेहतर परफॉर्म करेगी। तो जस्ट आपने पेज अथॉरिटी के लिए कुछ एक दो लिंक्स भी अगर आप दे दें तो आपकी वो जल्दी रिव्यू जो है फर्स्ट 2 पोजीशंस पे आ जाएगा।
या आप दीगर वेब 2.0 को भी यूज कर सकते हैं, ब्लॉगर को कर सकते हैं, वर्डप्रेस, वीबली, टम्बलर, जिमडू, ये दीगर तमाम वेब 2.0 भी इसी कैटेगरी में आते हैं और बहुत से लोग मीडियम पे काम भी कर रहे हैं। जस्ट आपने 400 से 500 वर्ड्स आर्टिकल लिखना है अपने मीडियम पे, आपने इंफॉर्मेशन उसकी प्रोडक्ट की सेल्स पेज से लेनी है, उसको जस्ट रीराइट करना है और अपने डिफरेंट आपने एफिलिएट लिंक को ऐड करना है कि ग्रैब इट नाउ या बाय इट नाउ या गेट इट नाउ। तो जैसे ही वो लोग उस पर बाय करेंगे तो आपको जो है एफिलिएट कमीशन अर्न होगा। सेकंड ये कि आप फुल रिव्यू वेबसाइट बनाएं, जस्ट लाइक अगर आप गूगल पे विजिट करें, ये प्रोडक्ट्स आप सर्च करें, लेट्स सपोज, तो ये देखें ये ऑलरेडी मीडियम की एक ओपन होगी है, जस्ट ये मीडियम पहले ही नंबर पे आ रहा है, यही प्रोडक्ट मैंने लिखी है, एक बंदे ने ऑलरेडी मीडियम पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप नीचे आए तो कई लोगों ने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें वो रूटीन बेसिस पे अपने ये JVZoo की प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, लाइक JV अपसेल, ये देख लें आप, होप्स रिव्यूज, तो इनको ओपन करें तो ये टोटल डेडिकेटेड साइट्स लोगों ने बनाई हुई है और ये गलबन ये देख लें ये रिव्यू आ रहा है इसमें, जस्ट 400-500 वर्ड्स है, वही रूटीन की इंफॉर्मेशन है और ये इसमें आप देख रहे हैं एफिलिएट लिंक ऐड किया गया है। तो इसी तरीके से आप अपना प्रोडक्ट को रिव्यू लिख के ऐड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का फायदा ये कि वो आपकी अपनी वेबसाइट है, उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, और आप अगर रूटीन बेसिस पे ये काम करना चाहते हैं तो ऐसा ऐसा आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी डेवलप होने लग पड़ेगी और आपकी वेबसाइट जो है बेहतर रैंक करना स्टार्ट कर देगी। जस्ट लाइक देखें ये जो साइट्स हैं ये भी इसी तरीके से काम कर रही हैं, ये देख लें ये एफिलिएट लिंक कैसे कि ब्यूटीफुल बटन्स आप बना सकते हैं और ये इस टाइप की आप टेबल्स भी बना सकते हैं। थ्राइव आर्किटेक्ट प्लगइन है या दीगर शॉर्ट कोड्स फ्री प्लगइन्स मिलते हैं और अगर इसमें आप बोनसेस ऐड कर लें तो आपका कन्वर्जन रेट मज़ीद जो है बेहतर हो जाएगा। फ्यूचर की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा बोनसेस कहाँ से ले सकते हैं, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो मेथड है स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, ये मेरा सबसे प्रेफर्ड वे है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं इन प्रोडक्ट के। जस्ट आप पहले स्लाइड्स बनाएं, उसमें आउटलाइंस डेवलप कर लें, इसी साइट पे बना लें AWWApp.com पे आउटलाइंस, आप उसके सेल्स पेज से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके बाद जस्ट आपने वॉइस ओवर करना है, 4 से 5 मिनट की वीडियो आपने रिकॉर्ड करानी है, उसमें जस्ट आप इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट का दे दें, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट ऑल अबाउट, प्रॉस कॉन्स, प्राइसिंग, अपसेल्स और फाइनल वर्डिक्ट। तो उसमें आप फिर डिस्क्रिप्शन में अपने यूट्यूब चैनल की उसका एफिलिएट लिंक ऐड कर देंगे और अपने जो विजिटर्स होंगे उनको आप बताएंगे कि अगर आपने ये प्रोडक्ट बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है और साथ साथ आप उनको बोनसेस का भी बता दें। बोनसेस मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बाद में आपको बताऊँगा किस तरीके से आपने बोनसेस देने हैं। तो इस तरीके से आप जो है यूट्यूब चैनल आप बना के JVZoo की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। मुमकिन है बाद लोग ये समझें कि जस्ट वो 5 से 10 वीडियोस बनाएंगे और कामयाब हो जाएंगे, इस तरह नहीं होगा, आपको ये कम रूटीन में करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा आप इस चीज़ को समझने लग पड़ेंगे और 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर आप एक अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप रूटीन बेस पे वीडियोस बनाएं। डेली बेस पे 1 से 2 वीडियोस अगर आप बनाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही, अगर आप यहाँ मनचाही से मिल सकते हैं, इस तरह और भी JVZoo नोटिफाई प्रो और बहुत सी साइट्स हैं जहाँ आपको डेट्स आपको पता चलती हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कब लॉन्च हो रही है। तो रूटीन बेस पर अगर आप ये काम करें और कंसिस्टेंट करें तो आप बहुत जल्द इस मेथड से अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल के इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।